लेकिन कांशीराम जी जिनको अच्छा अच्छा वाकिफ है उनको जीना सबसे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी पकड़ेंगे लोग, यार ये क्या कर रहे हैं। ऑलमोस्ट तैयार हो गया हूँ दिल्ली जाने के लिए फिर से, और अभी कुछ सामान लेना है, और सामान लेने के लिए मैं जा रहा हूँ नमो बुद्धाय बाजार, मतलब NB बाजार। मैं दिल्ली जा रहा था और मुझे कुछ सामान लेना था, तो मैं आया हूँ नमो बुद्धाय बाजार, और यहाँ पर हमें मिले हैं RR सुमन जी, जो काफ़ी बड़े बुद्धिस्ट हैं और समाज में काफ़ी ज़्यादा काम करते रहते हैं। तो आपको कैसा लगा ये बाज़ार की जो शुरुआत है एक, और इससे आगे लोगों को क्या प्रोत्साहन मिलेगा, कुछ उसके बारे में बताइए। वैसे मैं पहली बार ही आया हूँ और पहले ऐसा अवसर नहीं मिल पाया क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, लेकिन इससे एक बात याद आती है कि बाबा साहब का जो कंसेप्ट था, बाबा साहब का कंसेप्ट ये था कि धार्मिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी और आर्थिक आज़ादी और राजनीतिक आज़ादी, तो उसमें ये तीनों चीज़ों में थोड़ा सा काम हुआ है, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो आर्थिक आज़ादी के लिए कोई विशेष तौर पर काम नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ ये मॉल जो देख रहा हूँ मैं, ये भारत में शायद मेरी जानकारी में पहला ही है जो एक समाज के युवाओं ने और बाबा साहब के इस छूटे हुए कंसेप्ट को जो है आगे बढ़ाने के लिए और ये काम किया। पिछड़े हुए समाज है, जो बिल्कुल गरीब समाज है, उसके लिए बहुत ही प्रेरणादायी है और काफ़ी बहुत ही अच्छा है, और एक देश में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि हम लोग भी किसी से कम नहीं है। तो इन लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया। मैं जितनी भी टीम में सदस्य हैं और जो भी काम कर रहे हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साधुवाद देना चाहता हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ किस तरह का क्या क्या सामान यहाँ पे मिल रहा है, और काफ़ी जैसे नॉर्मली होता है वैसा ही है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो जो है बाबा साहब का है। सामान तो मैं ले आया, लेकिन अब टाइम भी हो गया, लगभग 9 बज गए हैं और मुझे दिल्ली के लिए निकलना है और काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा हूँ। फाइनली मैं दिल्ली पहुंच गया और यहाँ पर सुनील जी हैं, उनके ऑफिस में रुका हुआ हूँ सुबह सुबह। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है अलाइव म्यूजिक नाम से। तो हुआ क्या कि रात को जो ट्रेन थी वो लगभग 12 बजे की थी, लेकिन रात को लेट होते होते ना 2:30 बजा दिया उसने, और 2:30 बजाने के बाद वो लगभग 7 बजे जो है वो यहाँ पर पहुँची है। और जब जाकर मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं जल्दी से फ्रेश हो रहा हूँ और तैयार होने के बाद जाके नेशनल स्तर के ऑफिस जाने की सोच रहा हूँ, वहीं अपना सामान रखूँगा, और हो सकता है आज शंभू भाई के साथ ही रुकूँ मैं, और उनसे कुछ चीज़ें सीखनी थी और उनको भी कुछ बताना था, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हो जाएगा। रात में जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब हाथ पाँव कप रहे थे, लेकिन हिम्मत करके मैं यहाँ तक जैसे तैसे आ गया हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ यार 24 घंटे का ट्रैवल भीमा कोरेगांव का कैसे कर पाऊँगा, मैं अभी भी सोचा नहीं है, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि अगर कंफर्म टिकट मिल गया तो मैं जाऊँगा तो सही। मैं एक तथागत कैलेंडर बनाने वाला हूँ जिसमें ऐसी जगह जैसे भीमा कोरेगांव हो गया, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस कहाँ हुआ था, और ऐसी जगह खुद जाकर वहाँ जाकर फोटोग्राफी करके एक स्पेशल पर्सनलाइज कैलेंडर बनाना चाहता हूँ, जिसका नाम मैं रखूँगा तथागत कैलेंडर 2020। नेशनल स्तर के ऑफिस पहुंच गए हैं और यहाँ पर शंभू भाई का इंतजार कर रहा हूँ मैं, और 1 बजे के आसपास जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, और वहाँ पर जाकर दोनों एक्टर और एक्ट्रेस से मिलने का मौका मिलेगा, तो उनसे ही बात करेंगे इस बारे में। एक समस्या है कि मेरे पास इस वक्त जो है वो लैपटॉप नहीं है, ना ही कोई मोबाइल है जिससे मैं वीडियो एडिट करके हाल के हाल डाल सकूँ, तो हो सकता है ये वीडियो आपको जो है 2-3 दिन बाद देखने को मिले, लेकिन अगर कोशिश करूँगा अगर आज ही डाल सकूँ इस वीडियो को। ये राजीव चौक है और यहीं पर वो प्रोग्राम होने वाला है, और मैं पहुंच तो गया हूँ, अकेला पहुँचा हूँ, मुझे पता नहीं था यहाँ इतने सब लोग बिजी रहते हैं कि क्या बताएं। तो डायरेक्टली वहीं मिलते हैं हम लोग जहाँ 1 बजे प्रोग्राम होने वाला है।
दिल्ली आप जब भी आओ तो ध्यान रखना कि मेट्रो में जो है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, चालान कट सकता है आपका। तो मेट्रो में वीडियोग्राफी बिल्कुल भी मत करना वरना 300-400 का फाइन लग जाएगा। ये पालिका बाजार है यहाँ का फेमस, एक टाइम पे इसको चोर बाजार भी बोला जाता था। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक से कुछ सामान लेना है तो आपको यहाँ मिल जाएगा वो। और ये कनॉट प्लेस है पीछे पूरा, ये दिल्ली का सबसे हैपनिंग प्लेस है, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं और प्रोग्राम वगैरह मतलब मिलना जुलना होता है। मेरी आवाज़ वाली कितनी क्लियर होगी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बस, यहाँ पे कुछ ही टाइम में आने वाले हैं वो, वेट कर रहा हूँ 5-7 मिनट का बोल रहे हैं, जिन्हें काशीराम जी की मूवी में रोल किया था। कैसे हैं मंजुल भाई? बढ़िया हूँ मैं। आप काफ़ी चेंज लग रहे हैं। हाँ जी, काफ़ी साल हो, अब सही लग रहे हैं, अब सही लग रहे हैं। पता चला बहुत देर से वेट कर रहे हैं आप। मैं करीब, मुझे लगता सबसे पहले मैं ही आ गया। अच्छा, मुझे लग रहा था मैं ही ना लेट हो जाऊँ और। लेकिन आप सबसे पहले सबसे दूर से आ गए। तो हम लोग सब मिल चुके हैं अभी इस वक्त, ब्लॉगिंग करता हूँ छोटी सी। नहीं, आपके बारे में भाई बिल्कुल नहीं जानता। छोटी नहीं, आप बहुत बड़ी ब्लॉगिंग करते हैं। मैं बिल्कुल मुंबई से भी देखता हूँ आपको। क्या बात कर रहे हैं जी। जरूर मंजू भाई, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, आपका चैनल भी बहुत पसंद है मुझे। अरे स्पेशली आपकी जो बारीकियाँ, आप जो, मैं आज अर्जुन को वही मॉर्निंग बता रहा था कि बहुत लोग ब्लॉगिंग करते हैं लेकिन जो बारीकियाँ पकड़ते हैं मंजू भाई, वो मुझे बहुत पसंद है। अरे मुझे पता ही नहीं था कि आप मुझे देखते हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो काशीराम जी के जिनने रोल किया था वो ये बोल रहे हैं कि वो मुझे देखते हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बता नहीं सकता आपको कि कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियोस देखते हैं और आपके सपोर्ट के कारण ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नहीं ज़रूर, ये एक मुहिम है और जो कहीं ना कहीं मंजुल भाई, अर्जुन भाई ऐसे लोग हैं, मूवी और सोच, ये कहीं ना कहीं अगर आप इस मूवी को देखोगे तो मूवी कम है या सोच ज़्यादा है और इसको आप लोग आगे बढ़ा सकते हो। तो अभी वापस हम जा रहे हैं, कहाँ पे चल रहे हैं अपन? अपन चौधरी जी का ऑफिस है यहाँ सीपी पे। चौधरी जी का ऑफिस है, वहीं पर प्रोग्राम हो रहा है। प्रोग्राम तो चलें फिर। तो अभी आप मतलब डायरेक्ट मुंबई से आ रहे हैं? हाँ, अभी मैं मुंबई से आ रहा हूँ, कल नाइट में मैं निकला था 2 बजे। तो आप मतलब अर्जुन भाई ने आपसे बोला और आप तुरंत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ गए? एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड था और इससे पहले जो मैंने मिस करा है रिलीजिंग पे, वो उसका बहुत दुख था कि मैं शूट में बाहर था तो इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो मैंने अर्जुन से बोला था कि मैं जब भी मैं वापस आता हूँ मुंबई तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हम वो वापस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें मैं चाहूँगा कि लोग जाने, थोड़ा मुझसे भी पूछें कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था बींग अ काशीराम, ये जो मैंने कैरेक्टर प्ले करा है, जो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बारे में हम उसमें बात करेंगे। तो मेरे लिए भी ये बहुत अहम था कि अर्जुन मुझे इसमें बुलाएं, अर्जुन ने मुझे इनवाइट किया, थैंक्स फॉर हिम। ये काफ़ी अच्छा था, आपको यकीन मानिए कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं खुद काशीराम की जिनने एक्टिंग करी उनसे मिल पा रहा हूँ। मंजू भाई, ये हमारा प्लेजर है कि आप आए, इतना दूर से आए और एटलीस्ट हम लोगों का जो मैसेज है ये फिल्म, मैं अभी बोलता हूँ कि बींग अ एंटरटेनमेंट, हम अलग हटके सोचते हैं इस पिक्चर को। मैंने बहुत सारा काम किया है, सीरियल्स करे हैं, मूवीज भी करी हैं, लेकिन मैं जब इस फिल्म अभी किस किस में आपने किया है, मतलब किस किस में मूवीज, सीरियल्स तो आपने बहुत किए हैं। सीरियल्स तो मैं बहुत सारे करे हुए हैं, सावधान इंडिया वगैरह, और सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, थपकी प्यार की, मेरे अंगने में, कुमकुम भाग्य, और इसके अलावा भी सम्राट अशोका, इसके अलावा भी बहुत सारे। सम्राट अशोका में आपने? जी, मैंने जब जो अशोक का किडनैप होता है तो वहाँ पे उनके 4 मतलब दोस्त बनते हैं नए, जिनका एक मुखिया होता है जो मैं बना था, जो अशोक को उस विपत्तियों से निकालता है। अच्छा जी। अच्छा, तो वहाँ पे मेरा करीब 13-14 एपिसोड थे। इनको अशोक को बचाने का भी सौभाग्य मिला, सौभाग्य मिला है, मैंने अशोक को भी बचाया है। तो कोशिश है कि अपने समाज को बचाया जा सके और एक अच्छा मैसेज आप लोगों को दिया गया है। आप सबके अंदर वो आग है, बस उसे बढ़ाना है हम लोगों को। और कहते हैं ना, किसी को तो आगे निकल के आना पड़ता है और मंजुल भाई, अर्जुन एक वो फेस हैं जिनके साथ आप लोग खड़े हो सकते हो। प्लीज़ मेरे मैसेज को आप लोग समझिएगा, उनके साथ साथ दीजिए।
किसी को क्या बोलूं राजीव मल्होत्रा कैसा था, जैसा आप दिखाओगे वैसा राजीव मल्होत्रा। लेकिन कांशीराम जी जिनको बच्चा बच्चा वाकिफ है, मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने तो देखा भी है, कई ऐसे लोग हैं अभी वर्ल्ड वाइड राइट, तो उनको जीना सबसे मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी पकड़ेंगे लोग, यार ये क्या कर रहे हैं। तो वहां पे चुनौती बड़ी थी जी जी, अरे ये नेशनल दस्तक को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाने वाले ये अकेले शख्स हैं जी। और बैकग्राउंड में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर भी आपको दिख रही होगी, वो आज दिल्ली में है। तुम जो मुझसे कराने वाले हो तुम श्योर हो कि मैं कर पाऊंगा? तो अर्जुन ने मुझे एक ही बात बोली कि मैंने उनकी छवि देखी है तुम्हारे अंदर, मुझे नहीं पता तुम क्या कर पाओगे, लेकिन बस वो छवि देख के मुझे उम्मीद है कि शायद आप निभा लो। और मैंने कोशिश करी, उनको पढ़ा, उनको जितना ज़्यादा जानने की कोशिश कर सकता था, उनको जानना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो ये कभी बोल ही नहीं सकता हूँ कि मैं उन्हें जान गया, जानना बहुत बड़ी बात है, पर जितना निभाने की कोशिश कर सकता था मैंने अपनी ईमानदारी से उसे निभाने की पूरी कोशिश करी है। शुरुआत तो मैं बोलूँ तो पहले मैं मॉडलिंग से की थी, मॉडलिंग करता था, लेकिन एक्टिंग के प्रति मेरा खास रुझान था। मैंने नुक्कड़ नाटक बहुत करे हैं, थिएटर से ज्यादा मैंने नुक्कड़ नाटक, मंडी हाउस पे खूब समय गुजरा जी, मंडी हाउस में भी काफी गुजरा है, गुजरात में भी काफी रहा हूँ, गुजरात कुछ गवर्नमेंट कैंपेनिंग से भी जुड़ता था। गुजरात से ही है? नहीं, मैं बिलोंग तो यूपी से करता हूँ, कानपुर से। आप पर लगता था कि इस तरह के हालात हैं इस देश में, ऐसे रहे होंगे हालात? आपने जो क्वेश्चन करा है एक्चुअली में मेरी लाइफ को चेंज करने वाला वो क्वेश्चन था, बिकॉज जब मैं ये फिल्म कर रहा था मैं समर समाज से ब्लॉग करता हूँ, लेकिन मेरे घर का जो रहवास था, मेरे पिताजी का जो माहौल था, उनका कुछ ऐसा रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, उनके साथ के जितने लोग भी थे, नहीं वो छोड़ दीजिए परिवार की जिम्मेदारी, तो मैं बता रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं मेरे लिए पॉजिटिव तो शुरू से ही था, मेरा जो माइंड ऑफ फ्रेम है वो हमेशा से अच्छा रहा है। अच्छा। लेकिन हाँ, इस मूवी को करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ लगा कि ऐसी इस तरह के हालात हैं इस देश में, हालात इतने ज्यादा बदतर हैं, ये समाज किस तरह से शोषित हुआ है मैंने इस पिक्चर में समझा। मैंने समझा कि अगर ये इंसान उस वक्त नहीं आए होते तो आज वाकई में ये कंडीशन और ज्यादा खराब। सैफ अली खान को भी आरक्षण करने के बाद पता चला था कि आरक्षण क्या चीज है, होनी चाहिए, खत्म हो जाए। Ciao.